चूरू शहर के बूटिया रोड पर जमा होने वाले गंदे पानी की निकासी को लेकर सभापति पायल सैनी ने निचले इलाकों के पार्षदों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सभापति सैनी ने बताया कि जलभराव की समस्या का समाधान कराने में बजट की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षदों ने सुझाव के लिए बैठक लेने पर तंज कसे। गोंडिया रोड पर काफी लंबे समय से पानी की समस्याएं हैं। करीब दो से तीन गांव जो है उनका रास्ता भी है वहां पर, और करीब 7-8 वार्ड जो है उनसे प्रभावित हो गए हैं। आज उन सभी पार्षदगणों के साथ में जो वार्ड उस गोंडिया रोड के पानी से प्रभावित हो रहे हैं, वह तकनीकी अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई और सुझाव लिए गए हैं। इस मीटिंग से जो चीज़ें निकल कर सामने आई है, जो सुझाव मुख्य तौर पर हमारे सामने आए हैं, वो है कि वहाँ के जो भार्गव बस्ती से लेकर चांदनी चौक तक के जो पानी आ रहा है, उस पानी का डिवाइडेशन किया जाए, बड़ा नाला बनाकर उसके साथ ही के अंदर जिन घरों में सीवरेज कनेक्शन नहीं है, उन घरों को समझाइश की जाए कि वो सीवरेज कनेक्शन अपना करवाएं, और उसके बाद में भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर नगर परिषद के द्वारा थोड़ा सख्त रूप लेते हुए पेनल्टी इम्पोज करने का भी जो है उसकी भी चर्चा की गई है। परिषद ने हमको अभी तक कोई काम नहीं दिया, अरे बोलते हैं सुझाव दो, हम क्या सुझाव देंगे? आज की मीटिंग से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। हम 3 साल हो गए हैं, एक लास्ट एक सब यात्रा होती है जिसको फूलों पे ले जाया जाता है, उसको भी हम गंदे पानी से ले जाते हैं, हम क्या संतुष्ट होंगे? क्षेत्र में बढ़ते अपराध और मुकदमों के मद्देनजर ग्राम पंचायत सोनगांव में पुलिस उपाधीक्षक, सदर थाना अधिकारी और सरपंच की मौजूदगी में जन सुनवाई हुई। इस दौरान जन सुनवाई में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने जनता से समझाइश करते हुए आपस में झगड़ा नहीं करने, परस्पर सौहार्द रखने की अपील की।